गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सारे? आई होप अच्छे हो गए। ऑफिस आ गया हूँ और आज फ्राइडे है, जैसे कि अब सैटरडे संडे छुट्टी, और अब सैटरडे संडे का बनाएंगे प्रोग्राम कहीं घूमने जाने का। सोच रहा हूँ मैं पिक्चर देख के आऊँगा। अभी गर्मी लग रही है, धूप है, आज धूप है, सही धूप है तो गर्मी लग रही है। लेकिन धूप से जुड़ी ना, मैं एक आपको बहुत अच्छी कहानी बताऊँगा। आप सबने देखी होगी पिक्चर सूर्यवंशी, सूर्यवंशम जो थी अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन खीर खाता है जहर वाली, वो तो देखी होगी सबने। और कमाल की बात है, जहर खाने के बाद भी नहीं मरता, तो वो तो खैर पिक्चर है। अच्छा, उसमें पिक्चर में क्या है मैं कहानी बताता हूँ। अमिताभ बच्चन होता है उस पिक्चर में और अनुपम खेर भी होता है। तो बात क्या होती है कि अमिताभ बच्चन अपनी वैन के बाहर बैठा होता है, बहुत भयंकर धूप होती है, और अमिताभ बच्चन अपनी वैन के बाहर बैठा हुआ होता है। और अमिताभ बच्चन के दो रोल होते हैं उसमें, एक में तो वो बाप बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दाढ़ी लगाता है, और एक और होता है जो उसका बेटा बनता है, क्लीन शेव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लीन शेव में। तो गर्मी बहुत थी उस टाइम, तो अनुपम खेर क्या होता है, वहाँ पर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एसी नहीं है, एसी लाओ मेरे लिए, वैनिटी वैन में एसी ख़राब हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है जी, लाते हैं सर, कोई बात नहीं। वो जब बाहर जाता है अनुपम खेर अपनी वैनिटी वैन से उतरता है, तो वो देखता है कि अमिताभ बच्चन वहाँ पर गर्मी में पूरी अपने ड्रेस पहने, वो दाढ़ी लगा के सारा मेकअप करके बैठा हुआ है। तो वो पूछता है अमिताभ बच्चन से कि बच्चन साहब, अमित जी आपको गर्मी नहीं लगती इतनी गर्मी में? तो अमिताभ बच्चन ने जो जवाब दिया बहुत सुंदर, अमिताभ बच्चन ने बोला कि अगर गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, और नहीं सोचता तो नहीं लगती। और ये बात उस टाइम पे मेरे को लगा, ये तो ऐसे ही बोल देते होंगे, बड़े आदमी अपनी बातें बनाते हैं, लेकिन ये मैंने खुद भी अपना अप्लाई करा लाइफ में। तो सच में कुछ भी चीज़ अगर आप सोचोगे तो वो लगेगी, नहीं सोचोगे तो नहीं लगेगी। जून का टाइम है, गर्मी बहुत भयंकर है, अगर मैं दिमाग में सोचूंगा गर्मी है, पूरा टाइम एसी में बैठ रहता हूँ, गर्मी है गर्मी है गर्मी है बाहर निकल के, तो लगेगी। और सोचूंगा नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी तो है यार, क्या हो गया, तो नहीं लगेगी। ऐसी हंसी खुशी का टाइम भी होता है। अगर आप सोचोगे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आप दुखी रहोगे, और आप सोचोगे आप खुश हो, सब कुछ तो है अपने पास, क्या दिक्कत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप खुश रहोगे। तो ये बातें होती हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरी जो साथ में टीम मेंबर है उसका बर्थडे है, तो उससे मिला के लाते हैं, आओ जरा चलते हैं। उसी ने लिखा था, जो हैप्पी बर्थडे सर लिखा हुआ था उसी ने लिखा था, आओ। हाँ जी विपुलिया जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे मैंने वहाँ भिड़ गई लड़की। और बता, कुछ कहना चाहोगे इसके बर्थडे पे? आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना उदास क्यों है यार इसका बर्थडे? देखिए बर्थडे है लड़की का यार, इतना उदास, अच्छी भी लग रही है, देख एकदम पिंक पिंक अच्छी लग रही है आज तू। अच्छा ये लड़की ना पहली ऐसी लड़की देखी है मैंने, मैंने इसको बताया भी था, ये हकीकत में बहुत अच्छी है रियलिटी में, लेकिन इसकी फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं आती सच में। बाकी तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ईट वीट ढोने आए हो क्या? नहीं ढोने नहीं आया, फिर बेंच आज हमें खाली मिल गई। हाँ हम बेंच खाली मिल गई, बेंच पे बैठे हमेशा, ये बेंचेस जो होती हैं फुल होती हैं पार्क में। अच्छा हाँ ये तो है, एक धूप रहती है लेकिन बंदे आ जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज की गर्मी के बारे में? बहुत गर्मी है, गर्मी तो है यार, और तू तो खास कर बच के रह यार, गर्मी से बच के रहा कर, तू समझ गया क्यों? ना हमें कुछ वो नहीं है, है? इतनी वो नहीं है। इतना उदास क्यों है यार तू तो पागल हो गया यार, सर हटाओ इसको, हटाओ इसे यार। देखिए कितना शर्मा रहा है यार, ये देख लड़की आराम से खुल के हंस रही है, ऐसे होते हैं बच्चे। सर आप ये ब्लॉग जो बनाते हो इनको अपलोड करते हो? और क्या अपलोड करते हो, तूने मेरे ब्लॉग ही नहीं देखे अभी तक? नहीं मैंने बताया नहीं है ना किसी को, आपको चैनल मुझे शेयर करना, मैं दिखाता हूँ तेरे को। मैंने क्या है एक्चुअली ना बताया नहीं ऑफिस में ब्लॉग बनाता हूँ, बस इसको पता है, तेरे को तो पता है ना ब्लॉग का? हाँ मैंने किसी को बताया नहीं है ब्लॉग का, अब इसको बता देता हूँ। तो क्यों, अच्छा आप भी सोच रहे होगे क्या रीज़न होगा इसके पीछे भी ये ब्लॉगिंग का बताया नहीं, तू भी ये सोच रही होगी? yes. कि ब्लॉग बनाते तो बताया क्यों नहीं, है ना? yes. मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, कि एक तो मेरे को ये रहता है कि जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं हम, तो दूसरा वाला ये ना सोचे कि यार ये तो काम भी कर रहा है ब्लॉग भी बना रहा है, तो बंदा कहीं ना कहीं माइंड में सोचता है कि इसका ब्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, काम में कम।
जबकि ऐसा नहीं है, मेरा काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को रहता है काम पूरा, काम कंप्लीट। जैसे बीच में एक महीने से बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाए, क्योंकि व्लॉग मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरा काम मेरे लिए पहले। पर लेकिन लोग समझते हैं नहीं समझते ये तो मैं नहीं कह सकता, कम ही लोग समझते हैं, लोग चिढ़ ज़्यादा जाते हैं, मानती है कि नहीं? सही बात है ना, तो इसलिए। पर लेकिन जो खास खास है उनको तो मैं बता ही दूंगा। तो तेरे को बताता हूँ, कुणाल चौधरी व्लॉग्स के नाम से है मेरा चैनल, जाके देखियो, वीडियो अपलोड होती रहती है अब तो डेली, ठीक है जी। और ये मेरा फ्रूट का पिटारा खुलने वाला है, देखते हैं आज क्या दिया है। तरबूज, अरे वाह, गर्मी मिटाने के लिए सबसे बढ़िया है तरबूज, पेट को भी ठंडा रखते हैं, शरीर को भी बढ़िया लगते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते, तरबूज के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मम्मी ने तरबूज दे दिया, बस अब तरबूज खाएंगे और उसके बाद चलेगी बर्थडे पार्टी में पिज्ज़ा। एक ये पिज्ज़ा मंगाया इन्होंने, तो दो पिज्ज़ा थे, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन था, मैंने कहा तू पिज़्ज़ा मंगवा दे कोई बात नहीं। और लंच भी अपना ही सारा लंच रखा हुआ था, मैं लंच ले आया था, मेरे को पता नहीं था, तो पिज़्ज़ा है और भी सारी चीज़ें मंगवाई थी इसने, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी ये पैन केक्स हैं शायद, हाँ ये मंगवाए थे, ये इसके भाई ने इसको गिफ्ट दिए थे, गिफ्ट क्या दिया था मतलब कि बर्थडे है तो भेज दिए। अब बाकी ये लड़की बताएगी, जो बताएगी भाई हो तो तेरे जैसा। हमेशा की तरह 4:30 बजे मेरा आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया, अब आइसक्रीम खाते हैं हम यहाँ। ये ऑटो की दिक्कत है तो ऑटो वाला साइड लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन इस आइसक्रीम वाले को मैंने एक फ़ायदा तो करवा दिया, जब से यहाँ आया है इसकी सेल बढ़ गई है। हाँ जी आ गए हैं घर, उतारा जाए जरा हेलमेट, गर्मी में दिमाग खराब हो जाता है हेलमेट पहनने में भाई, पसीने पसीने हो जाता है, सर्दियों में तो मज़ा आता है पर गर्मियों में नहीं। पीछे आवाज़ फिर से सुन रहे होगे, मोटर की है, मीठे पानी की मोटर चल रही है। हेलमेट को रखा जाए ऐसे, इसे कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सुबह ही धूप की बारिश हो रही थी कि कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है, और देखो कितनी बारिश पड़ गई, पूरे पेड़ जो है कितने हरे भरे हो गए, सारी धूल मिट्टी उतर गई और बहुत बढ़िया इस वक्त कूल एकदम चिल्ड हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है बाहर खड़े होने में भी, बहुत बढ़िया मौसम। मतलब ये लगा लो कि बस ये है कि अब दोबारा धूप निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हम घर पर आए तो ये जो हमारे फ़ैन है ना, ये अच्छी कंपनी के हैं और आप ये लगा लो कि इनकी जो स्पीड है ना, इतनी गर्मी में हवा ढंग से आती नहीं है, बस यही स्पीड रहेगी इसकी, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है दिखने में आपको लग रही हो लेकिन ये ऐसे है कि बस नाम की हवा आ रही है इतनी गर्मी में, ठीक है। और ये एक पंखा कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 3500 रुपये का है, ठीक। अब दूसरा पंखा दिखा के लाता हूँ, और दूसरी तरफ है ये वाला पंखा, ये इतनी तेज़ चल रहा है और इतनी बढ़िया हवा दे रहा है इस वक्त कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। और लोकल पंखा है और ये है सिर्फ 650-700 रुपये का पंखा, देखो ये फ़र्क होता है। और हाँ, 13 साल, ये 13 साल से चल रहा है ये वाला पंखा, और उस वाले पंखे को सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल हुआ है। आप यही सोच रहे होगे ना कि एकदम से कैसे पंखे की बात आ गई, तो यही है यार, ये ना मतलब हम यहाँ बैठ रहते हैं, हवा लगती नहीं है कुछ भी पंखे की, एसी ऑन करना पड़ता है यहाँ बैठने के लिए, नहीं तो यार अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो कभी कर होता है कि फ़ैन में भी सही काम चल जाता है, कितनी गर्मी नहीं लगती, ये पंखे हवा ही नहीं देते। और ऊपर से जो दूसरा पंखा है, इस हॉल में 2 पंखे हैं, दूसरा वाला फ़ैन है वो बिल्कुल भी नहीं करता, वो तो मतलब फुल पे चलाओ तब भी। तो कहने का मेन मतलब ये है कि पैसे से कुछ नहीं होता, ये 3-3, 4-4 हज़ार के पंखे हैं, ये ढंग से हवा नहीं देते, और वो 600-700 रुपये के पंखे हैं और वो इतनी बढ़िया हवा देते हैं, लोकल पंखे हैं, जबकि ये बढ़िया कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, पता चले कोई दिक्कत आ जाए तो, ये बढ़िया कंपनी के तब भी नहीं चलते, और तो ऐसे ही होता है। तो पैसे से कुछ नहीं होता, मेन होता है कि कौन कितना क्या काम कर जाए, है ना। अब बस, तो आज का व्लॉग आपने पूरा देख ही लिया होगा, यही था। अब कल मैं आया था घर पे तो कोई मम्मी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिला, तो इसलिए व्लॉग नहीं बन पाया, तो मैंने कहा आज बना लेते हैं। अब आज सुबह खाना पीना खा के बैठ गए, तो मैं सोच रहा हूँ व्लॉग का भी एंड कर ही देता हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब ये 8-9 मिनट का होगा व्लॉग, इतना बहुत है। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। कोई बंदा मिले सब्सक्राइब करवा देना चैनल को, वैसे अब मोनेटाइज तो हो ही गया पर फिर भी कर दो, 2000 तक तो पहुँचवा ही दो कम से कम यार, जहाँ आज की डेट में लोगों के मिलियंस हैं तो 2000 तक तो बनते हैं ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।